फल को इंसाफ तो देना है और रूल ऑफ लॉ तो करना है, लेकिन करना काहे को है, उससे मिलेगा क्या आपको? किताबें तो पहले भी छपी थी, अभी भी छपेंगी। रूल ऑफ लॉ और इंसाफ को इंसाफ आज के दिन पाकिस्तान में इसलिए देना है क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक है, हमारी जो हयात थी, हमारी जो गैरत थी, हमारी एक सोच थी, हमारे कुछ अकदार थे, इस्लामी अकदार कह लें, पाकिस्तानी अकदार कह लें, वो सारे मिटने को आ गए। ये हम वो जंग लड़ रहे हैं, ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। हम मुजाहिद वतन के हैं, वर्कर खान के। याद रखिएगा, मुजाहिद वो नहीं होता जिसको पेंशन मिले, मुजाहिद वो होता है जो यहाँ आज बैठा हुआ है, ना एफ आई आर से डरता है, ना पर्चे से डरता है, ना घर पे भावे से बोलता है, ना पुलिस से डरता है। डरते तो हम सब है रब्बुल आलमीन से। मैंने कल एक तकरीर की थी जेल के बाहर, तो उन्होंने मेरी वो तकरीर ही काट दी, क्योंकि मैंने अल्लाह के सामने जो आज करके मिजाजी खुदा बने हुए हैं उसका नाम गलती से ले लिया, तो स्पीच ही मेरी उन्होंने पूरी काट दी। इसलिए आज ख्याल से बात करूंगी। देखिए, शुरुआत मैं औरतों से करूंगी। नो नॉट दैट आई एम अ वुमन, हम सब औरतों से आए हैं, हम सब वी कम फ्रॉम द वोम, फ्रॉम द मदर्स वोम। और ये जो खावर मानेका ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो उसने पाकिस्तान की औरतों के कीचड़ उछाला है, इसके छींटे साफ करते करते हमारी उम्रें निकल जाएंगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि एक सेकंड के लिए हमने डिफीट नहीं मानी, कभी भी नहीं। ये पहली दफा हुआ है कि इनके सामने ये सीसा पिलाई दीवार बैठी हुई है, हम खड़े हैं, अल्लाह ताला कानून देने वाले हैं, हम कानून के रखवाले हैं। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि ये जो उन्होंने MFLO की, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की, कुरान की, अहादीस की, जिस किस्म की लोगों ने तजवीज की है, उसका बदला हम लेंगे, बट कानून से। ये बात जरूर याद रखिएगा कि मैं सिर्फ एक खातून की बात नहीं करूंगी, बुशरा बेगम की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, इस तरह की कितनी खवातीन हैं जो निकल आई हैं, कुछ जेलों में बैठी हुई हैं, लेकिन वो हजारों खवातीन का क्या होगा जो पिछले 76 सालों से जेलों में सड़ती हैं, सिर्फ इसी सड़ती कि वो गरीब हैं और कोई वजह नहीं है। कानून इस वक्त दो है, एक मालदार का, एक गरीब का। ना उस पर रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, ना उस पर इंसाफ को इंसाफ हो। दूसरी बात, अगर आपके जजेस को तहफ्फुज़ नहीं है, अगर आपके जजेस मजबूर है खत लिखने पर कि हमारी खवातीन के खिलाफ घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो माजरत के साथ लानत है उस मुल्क कि सियासत हासिल करने के लिए आप मियां बीवी के पाक रिश्ते को पामाल करने को तैयार हो। ये हमारे हयात है। अभी दो तीन बातें, क्योंकि आप सब बुक लाए हैं, मुझसे आप ज्यादा प्रैक्टिसिंग हैं, दो तीन चीजें आपने देखा होगा कुछ पिछले महीनों में। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री ट्रायल्स, आप सिविलियन ट्रायल क्यों नहीं करते? भाव तो कोई भी नहीं रहा, ना हम माफी मांग रहे हैं, मसला कैसे सिविलियन ट्रायल करने हैं? आपके जितनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। वो इंटरनेशनल रेटिफिकेशन जो फॉरन ऑफिस ने की हैं उसका कौन जवाब देगा? सी लॉ है आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ICCPR है, ये पानी में सारे चले गए, हमें पता नहीं चला। दूसरी बात, अल-कादर ट्रस्ट, पाकिस्तान का शायद सबसे मजालिया केस, the British Anti-Corruption Agency and the Supreme Court of Pakistan, which is very much part and parcel of government of Pakistan. 190 अरब रुपए वहां पड़ा है। 2019 से लेकर 2023 तक PDM Part 1, PDM Part 2 और caretaker, उन्होंने 13,94 करोड़ पैसा उसे लिया है सूट। इमरान खान जेल में क्यों बैठा है? ट्रायल उसका क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल करें, वाई इमरान खान? चौथी बात, बांग्लादेश की ट्वीट आती है एक आदमी की तरफ से जो जेल में बैठा हुआ है, ना उसके पास टेलीफोन है, ना उसके पास केबल टीवी है, ना उसके पास खत लिखने का कोई तरीका है, लेकिन लाहौर की FIA, लाहौर की टिकटॉक हुकूमत इमरान खान पे इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट कर रही है, स्टार्ट कर रही है, इनिशिएट कर रही है। इसलिए अच्छा जी, बस मैं खत्म करने आती हूँ, कुछ मुबारकबाद और वेलकम कर रही हूँ। मसूर से हमारे वकील आए, थैंक यू सो मच जी।
आखिरी बात ये सवाल पूछा जाएगा कि हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के हमारा काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट को हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, लोअर कोर्ट को क्यों करते हैं, हाई कोर्ट को क्यों करते हैं? और बाय द वे हम सियासतदान क्यों कहते हैं? हम तो कानून दान है, हमारा तो एक काम है कानून बना उतार जाओ। सियासत बीच में कहां से आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन इतना आपको बता दूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट को 40 साल बाद पता चला कि भुट्टो साहब की खांसी गलत थी, अभी भी वही सुप्रीम कोर्ट बैठी है। और इसलिए हमने किसी पे रिलाई नहीं करना, अपना जोर बाजू, अपना ILF, अपनी आवाम। इस इमरान खान को जेल से हम ही निकालेंगे, हम और किसी का इंतजार नहीं करेंगे। खान साहब का एक मैसेज, आखिरी मैसेज प्लीज याद रखिए, क्योंकि अभी हम निकल जाएंगे, ओबीसी मिलने जाएंगे। खान साहब वो आदमी है जो गया था, आपको याद है, चौथी पांचवी मंजिल थी 2013 के इलेक्शन में, 4 गोलियां उनको लगी हैं आज से 2-3 साल पहले। वो आदमी जेल सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो डील नहीं करना चाह रहा, पैसे नहीं लेना चाह रहा, मुल्क नहीं छोड़ना चाह रहा। और इसकी सारी गेम के जो आप देख रहे हैं अजाब इंतकाम कहते तो पत्नी एसबी व्हाटएवर इंतकाम, बट एसेंशियली जो पीटी का नारा था कि जुल्म का बदला वोट से, इसको उन्होंने उल्टा कर दिया है और अब कह रहे हैं वोट का बदला जुल्म से। क्या होने देंगे? क्या करेंगे? सबको पे निकलेंगे इंशाल्लाह, अपने वतन का झंडा लेके सड़कों पे निकलेंगे, झंडे के साथ निकलेंगे, वतन के झंडे के साथ। याद रखिएगा ये वो कला की जंग अपने वतन के लिए है, पार के लिए नहीं, ILF के लिए नहीं, PTI के लिए नहीं, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। के जान में जा रही मोहतरम शादाब साहब भी तशरीफ ले आए, मैं शक्ति भगवान साहब से